तो आपने देखा बिल्कुल जो है कम टाइम में आप इस तरह यूज करके अपने पैरों को अच्छा और सुंदर बना सकते हो, उसके मैल को निकाल सकते हो बस थोड़े ही टाइम में। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करने में, बस 10 मिनट लगता है। जैसे कि हम पेडीक्योर द्वारा भी इसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पेडीक्योर में कम से कम आपका आधा घंटा जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके अपने पैरों को साफ सुथरा सुंदर दिखाना चाहते हो, तो आप जो है इस होम रेमेडी को अपना कर तुरंत अपने पैर को साफ कर सकते हो। अगर आपकी मैल जो है जल्दी में ही जैसे जमा हो, आपने काफी दिन से अच्छे से केयर नहीं किया है, तो आपको तुरंत फर्क नजर आएगा। अगर काफी दिन के मैल जमा हुए हैं, आपके पैर काफी भद्दे दिख रहे हैं, तो 2-3 बार आपको यूज करना पड़ेगा। आप एक एक दिन का गैप करके कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, भी हिचक आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो मैं अपने पैरों में आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन ले लिया है और उसे 2 पार्ट में कर लिया है। लेमन में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, जो कि आपके मैल को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इस पर मैंने डाल लिया है बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने टूथपेस्ट का यूज किया है। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आप यूज कर रहे हो। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और उसके बाद ये है टूथपेस्ट लेमन। तो उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उसके बाद अपने पैरों पर अच्छे से स्क्रब करें, आपको जहाँ भी पूरे पैरों में अच्छे से अप्लाई करें। करीब कम से कम 3-4 मिनट आप इस तरह जो है रफ करें, ताकि जो डस्ट जमे हैं सभी निकल जाएं। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा जो है डस्ट जमे हुए हैं, या चप्पल का निशान जैसा पड़ जाता है, काला हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में आपको 2-3 बार यूज करना पड़ेगा, एक एक दिन के गैप के बाद। जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आपका डार्क होगा पैर, तो उसको रिमूव करने में थोड़ा टाइम लेगा। और अगर जैसे कि वैसे ही अगर आप काफ़ी दिन से केयर नहीं किए हो और आपका पैर काफ़ी जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लीन नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, उस पर मैल सी लग रही है, जमा है, तो वो आपको तुरंत ही आपको फर्क नज़र आएगा। 5 मिनट में आप जो है आप देखोगे कि आपके पैर काफ़ी अच्छे लगेंगे, निखरा हुआ लगेगा, आपका पैर काफ़ी क्लीन लगेगा। तो इस तरह मैं दोनों पैरों में लगा ले रही हूँ। तो मैंने भी काफ़ी दिन से पैरों का केयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आप क्यों ना केयर के साथ साथ मैं आप लोग के साथ भी इसे शेयर कर दूँ। तो अभी मैंने 5 मिनट बाद अपने पैरों को वॉश कर लिया। ऐसे ही लगा कर 5 मिनट छोड़ देना है, सूख जाए तो उसके बाद उसे वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। तो अभी मैंने, आप देख रहे हो, ये वॉश करने के बाद कितना फ़र्क नज़र आ रहा है पैरों में, बिल्कुल एक ही बार में अच्छे से क्लीन हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।